तकनीक के इस युग में चांद और मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बातें हो रही हैं, लेकिन पृथ्वी के कोर यानी भीतर के हिस्से के बारे में कई चीजें अभी भी रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का केंद्र बिंदु लगभग 5000 किलोमीटर गहराई में है और आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर के बारे में ही जानकारी मौजूद है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और चीनी विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया है कि पृथ्वी की सतह की तुलना में पृथ्वी का कोर धीरे धीरे विपरीत दिशा में घूमने लगा है। लेकिन 5000 किलोमीटर तक गहरे सीधे कोर तक पहुंचे बिना वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले पृथ्वी की संरचना और परतों के बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की संरचना को 3 अलग अलग परतों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब तक इस कोर को लेकर कई धारणाएं बनाई गई हैं। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम पृथ्वी की तुलना अंडे से कर सकते हैं। अंडे की बाहरी परत पृथ्वी की सतह या क्रस्ट, अंडे के भीतर मौजूद सफेद तरल पदार्थ पृथ्वी का मेंटल और अंडे की जर्दी यानी पीला हिस्सा पृथ्वी का कोर होगा। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है और आकार में गोल है। इसका रेडियस 1221 किलोमीटर है। इसका तापमान 5400 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि यह कोर पृथ्वी के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमता है और इस दौरान इसका पृथ्वी के बाकी हिस्सों से संबंध नहीं होता। लेकिन हाल ही में हुए अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि लगभग 40 सालों में पहली बार कोर पृथ्वी की सतह से विपरीत दिशा में घूमने लगा है। इस दौरान कोर पृथ्वी के मेंटल की तुलना में थोड़ी धीमी गति से घूम रहा है। वैसे इस चीज को प्रोफेसर टीवी वेंकटेश्वरन कुछ आसान तरीके से समझाते हैं। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रोफेसर हैं। टीवी वेंकटेश्वरन कहते हैं कि इसे विपरीत दिशा में घूमना नहीं कह सकते। वो समझाते हैं कि मान लीजिए आप एक कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। आपका दोस्त भी अपनी कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। दोनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं। अब अचानक वो दोस्त 20 किलोमीटर की स्पीड कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाता है। अब आपकी तरफ से देखा जाए तो वह दोस्त सड़क पर पीछे की ओर जाते हुए लगेगा, क्योंकि आप अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। इसी तरह कोर पृथ्वी की कक्षीय गति की तुलना में धीमा हो रहा है और इसे विपरीत दिशा में घूमना माना जा रहा है। और अब बात करें कि बिना पृथ्वी के केंद्र बिंदु तक पहुंचे वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन को कैसे किया, तो भूकंप के दौरान उठने वाली तरंगों के जरिए बिना खुदाई के भी पृथ्वी के कोर के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। जब पृथ्वी की सतह पर बड़े भूकंप आते हैं तो उथल पुथल से उत्पन्न तरंगों की ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक कोर में जाती है और वापस सतह पर आ जाती है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन तरंगों से निकली ऊर्जा के रास्तों की जांच की। इसके लिए वैज्ञानिकों ने साल 1991 से 2023 के बीच दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के आसपास दर्ज हुए 121 भूकंपों के आंकड़े जुटाए और विश्लेषण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अध्ययन के लिए 1971 से 1974 के बीच सोवियत परमाणु परीक्षणों के डेटा के साथ साथ फ्रांसीसी और अमेरिकी परमाणु परीक्षणों के डेटा का भी उपयोग किया। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।